तो दोस्तों ये हमारे पास एक सिस्टम आया था, ये MSC V41D है। इसके अंदर प्रॉब्लम थी कि इसका जब भी ब्लूटूथ ऑन करते थे ब्लूटूथ पेयरिंग पे आता था, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाता था। तो आखिरकार इसमें क्या प्रॉब्लम थी वो आपको बताएंगे। एक तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी ये माइक्रोस वगैरह की थी। दूसरी इसके अंदर ये कंट्रोलर आईसी लगी हुई है दोस्तों, ये कंट्रोल वर्क नहीं करता जब उस टाइम ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो कंट्रोलर आईसी इसकी चेंज करने के बाद हमने देखा कि इसमें फीडबैक वोल्टेज नहीं आ रहे थे। जब इसमें फीडबैक वोल्टेज नहीं आ रहे थे उसके बाद हमने इसको चेक करा तो इसके माइक्रोस वगैरह ख़राब हो रखे थे, जिस वजह से ये बार बार प्रॉब्लम इसमें आ जाती थी। तो अब हमने इसे माइक्रोस वगैरह चेंज कर दिए हैं और फीडबैक मेमोरी आईसी भी इसकी चेंज कर दी है, अब उसमें कोई भी इशू नहीं है। बाकी हम इसको सारा चेक कर चुके हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका प्रॉपर बताएंगे। चेक करके जब कस्टमर के यहाँ लगा देंगे तो आपको वीडियो इसकी आई बटन में मिल जाएगी ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, ये छोटी सी वीडियो थी बस एंड की, बाकी वीडियो में दूसरी में हम आपको दिखाएंगे। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।